सो हेगा से क्या चालू भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5 और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके यार फ्रैंकलिन के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने यार सिमियन के यहाँ भाई काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास ना यार देखो कोई भी काम नहीं है। हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने भी बिजनेस थे, सारे के सारे सेल हो चुके हैं और अभी अपना फ्रैंकलिन यार काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। इसीलिए फ्रैंकलिन ना अभी सिमियन के यहाँ काम करके थोड़े पैसे वैसे कमा रहा है, फिर धीरे धीरे अपन लोग अमीर हो जाएंगे। वैसे अगर यार देखो मैं कोई इलीगल काम करूँ ना लेस्टर के साथ मिलकर, तो फ्रैंकलिन रातों रात अमीर हो जाएगा। पर अभी फ्रैंकलिन ने यार कर लिया है कि यार कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, सारे भाई बढ़िया काम कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन बनना है। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अपन लोग फ्रैंकलिन की ये वाली सीरीज यार कंटिन्यू करने वाले हैं, तो लाइक भाई कर देना। और हाँ, पिछले वाले वीडियो में यार काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाओ, वीडियो लंबे बनाओ। तो अगर तुम लोग वीडियो लंबे देखते हैं तो भाई अपने मेन वाले चैनल पे जाओ बीबी गेमिंग पे, इस पे छोटे वीडियोस आएंगे, मतलब शॉर्ट वीडियोस आएंगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मिक्स कॉन्टेंट लेकर आऊँ, मतलब नए नए गेम्स खेले यार। तो कॉमेंट करके बताओ कि कौन कौन से गेम खेलने चाहिए। बाकी यार अभी अपना फ्रैंकलिन भाई सोकर उठाता और एकदम रेडी हो चुका है, क्योंकि मेरे पास आया अपने बॉस का कॉल, मतलब भाई सिमियन का कॉल आया है। और सिमियन बोल रहा है कि भैया फ्रैंकलिन छोटे कहाँ है भाई, जल्दी से काम पे आ जा, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। तो फटाफट से एक काम करते हैं भाई, सिमियन के कार शोरूम पे चलते हैं। मैंने कपड़े वगैरह तो पहन लिए हैं, मतलब कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे भाई ना धोके। एंड यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है, ये मेरी पुरानी बाइक है जो बहुत टाइम से ना मेरे पुराने वाले घर पे खड़ी थी, तो मैं जाकर ले आया, क्योंकि अभी अपने पास देखो कोई बढ़िया गाड़ी नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ थी ना वो भी मैंने सेल कर दी भाई, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस में हो गया था। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई सिमियन के कार शोरूम पे, चल के देखते हैं कि यार आज कौन कौन से काम करने हैं। वैसे सिमियन ने ना मेरे को पैसे वसूलने के लिए रखा है, एक तरीके से मैं उसका बॉडी गार्ड हूँ, मतलब जो भी वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह लेकर जाएगा और जो बंदे उसको पैसे नहीं दे रहे उनके घर में जा रहा हूँ ना भाई मारना है और पैसे लेकर आने हैं। पर पता नहीं यार सिमियन मेरे से क्या क्या काम करवाएगा भाई, सुबह ही कॉल कर दिया है, ये तो अपने को जाकर ही पता चलेगा। बाकी सिटी में आज काफ़ी कम भीड़ लग रही है यार, क्या बात है भाई, सारे लोग आज छुट्टी पे हैं क्या? चलो यार अपने लिए तो अच्छा ही है भाई, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी बाइक को भगाते हैं और फटाफट से चलते हैं सिमियन के कार शोरूम पे। और भाई हद है, उस बंदे ने सीधे गाड़ी मोड़ दी भाई, मैं थोड़ा सा बचा खंभे में, मतलब बहुत ही गंदा वाला टूटने वाला था वो, तो अच्छा मैंने ब्रेक लगा लिए। तो अभी हम लोग यार सिमियन के कार शोरूम पे पहुंचने वाले हैं और रास्ते में यार थोड़ा ट्रैफिक हो गया था इसीलिए मैं रास्ते में फंस गया। और सिमियन ना मेरे को बार बार कॉल कर रहा है भाई, बोल रहा है फ्रैंकलिन कार है यार, जल्दी से कार शोरूम पे आ जा, यहाँ पे एक गाड़ी डिलीवर करनी है। तो मैंने इसको बोला भाई गाड़ी भी मैं ही डिलीवर करूँगा क्या भाई, किसी और बंदे से करवा ले। तो सिमियन बोल रहा है थोड़ी महंगी गाड़ी है, तो भाई फ्रैंकलिन तुझे ही करनी पड़ेगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ये भी कर देंगे भाई, अपने को तो पैसे कमाने हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, अपनी गाली गाड़ी को अपन लोग थोड़ा आगे ही लगा देते हैं, मतलब अपनी बाइक को यहाँ लगा देते हैं, बहुत सही। बाकी आज यहाँ पे सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही यार, जब मैं पहले यहाँ पे आया था बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। एंड ये खड़ा है भाई सिमियन सामने, मुझे लगता है कि यार मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से इससे बात कर लेते हैं। तो अभी मेरी सिमियन से यार बातचीत हो गई और सिमियन बोल रहे हैं कि यार आज इसके एम्प्लॉयज छुट्टी पे है इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसे आज के दिन ना ये अपना कार शोरूम बंद रखता है, पर बहुत ज़्यादा कस्टमर आने की वजह से इसने कार शोरूम को ओपन कर लिया और आज ना सिमियन यहाँ पे अकेला ही है। तो सिमियन बोल रहा है कि यार एक कस्टमर आया था जिसने भाई पूरा का पूरा लंबोर्गिनी का पेमेंट कर दिया, पर अभी के अभी उसे डिलीवरी चाहिए। और सिमियन बोल रहा है कि यार वो कार शोरूम छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि कुछ और भी कस्टमर आने बाकी हैं। भाई कितना बढ़िया चल रहा है यार इसका कार शोरूम। तो भाई अभी मुझे जाके लंबोर्गिनी डिलीवर करके आनी पड़ेगी। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे बुगाटी खड़ी है, मैकलन खड़ी है, भाई बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही है यार। सिमियन बढ़िया बिजनेस चल रहा है भाई इसका। तो भाई मैं भी ना क्या काम करूँगा ना, पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं एंड उसके बाद ना खुद का कार शोरूम ओपन करते हैं, क्योंकि कार शोरूम से ना मुझे लगता है बहुत प्रॉफिट है भाई, बहुत ही पैसा कमा रहा है। कुछ टाइम पहले तक सिमियन के पास सस्ती गाड़ियाँ होती थी और अभी तुम लोग देखो भाई एक से एक महंगी गाड़ी है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगता है कि मुझे ये वाली लंबोर्गिनी डिलीवर करनी है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं। सिमियन बोल रहे थे कि फ्रैंकलिन ना थोड़ा आराम से लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कस्टमर की गाड़ी है तो आराम से ले जानी पड़ेगी, बहुत सही। तो मुझे एड्रेस वगैरह मिल गया, मेरे को जाना है पलीटो के साइड, पलीटो वाला जो चर्च है वहाँ लेकर जाना है। और भाई आराम से, कोई ठोक बोक ना दे, अगर एक भी स्क्रैच लगा ना तो मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे और इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है भाई जितनी महंगी लंबोर्गिनी है। तो अगर एक भी स्क्रैच आता है ना तो भाई घर जाएगा इसमें मेरा, मतलब पूरी सैलरी निकल जाएगी इसी में।
तो मुझे थोड़ा आराम से चिल्लानी पड़ेगी। ओके बॉस है, इतनी स्पीड सही है 100 से, मैं ट्राई करूँगा ऊपर ना लेकर जाऊँ हाईवे पे, तो मैं इसको भगाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं फटाफट से लंबोर्गिनी को भाई यहाँ से सीधे चर्च लेकर चलते हैं और थोड़ा आराम से। तो अभी यार मैं लंबोर्गिनी को लेकर हाईवे पे आ चुका हूँ और भाई यहाँ पे मैं इसको भाई भगाने वाला हूँ, पर थोड़ा संभल के। तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई 160 पहुंच चुकी है, 200 तक मुझे लगता है आराम से पहुँचती होगी, और मुझे ना थोड़ा कंट्रोल में भगानी है। अगर कहीं पे भी टक्कर लग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। और एक सेकंड गाइस 180 में भाई क्या भाग रही है यार, जो कार की कंट्रोलिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा सही है। 190-200 तो मैं इसको पचा के रहूँगा भाई, मैं भगाने वाला हूँ इसको भाई, फुल मज़े आ रहे हैं इसको भगाने में, मज़ा आता है भाई लंबोर्गिनी का ना एकदम अलग ही मज़ा है। तो अभी हम लोग लंबोर्गिनी को भगाते भगाते भाई प्लीटो पहुँच चुके और पता भी नहीं लगा, अभी चर्च यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और ये जो लंबोर्गिनी है ना ये 220 से ऊपर जा ही नहीं रही है, मुझे लगता है ये मॉडिफाई नहीं है या फिर इसकी स्पीड ना कम करा रखी है। ये तो जो लंबोर्गिनी है ना 300-350 आराम से पहुँचती है, पर ये 220 से ऊपर जा ही नहीं रही है। कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी को क्या करना है, अपन लोग को बस ये चर्च तक पहुँचानी है। और ये रही वो चर्च एंड सामने शायद वो खड़ा है वो बंदा, तो मेरे को क्या करना है यहाँ इसे पार्क कर देना और की देनी है, बस मेरे को इतना काम करना है। बहुत सही, तो आराम से पार्क करते हैं, एकदम सही सलामत लेकर आया हूँ भाई। एक छोटा सा स्क्रैच नहीं लगा है, बस हाँ थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि बीच में मैंने इसे बहुत ज़्यादा भगाया था, तो थोड़ी धूल मिट्टी लग गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है ये बंदा वॉश करा लेगा। एक तो इसने वाइट कलर मिली है भाई, कोई और कलर लेता ना तो और ज़्यादा बढ़िया लगती। तो वो खड़ा है भाई सामने बंदा, देख रहे हो क्या टेंशन में खड़ा है भाई, आ भी नहीं रहा है, मतलब मेरे को ना वो एम्प्लॉय समझ रहा है कोई छोटा मोटा, पर कोई दिक्कत नहीं यार अभी फटाफट इसको की देते हैं। तो अभी मैंने यार कार की दे दी और इस बंदे ने भाई मेरे को टिप भी दी है। इसको लग रहा है कि यार मैं सीमियोन का कोई भाई गाड़ियाँ डिलीवर करने वाला बंदा हूँ, तो बोल रहा है कि यार गाड़ी काफ़ी सही कंडीशन में आई और काफ़ी जल्दी आ गई, तो इसने मेरे को $1,000 की टिप दे दी है। अभी मैंने ना टिप ले लिया भाई, अभी पैसों की कमी है तो मैंने कहा चल भाई ठीक है 1,000 ही मिल रहा है, ठीक है मैंने ले ली। अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और मैं पास से कोई गाड़ी नहीं उठा सकता इसीलिए यहाँ से उठाते हैं। ओके यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, एक काम करते हैं, ये गाड़ी बढ़िया लग रही है भाई येलो कलर की, इसको चोरी करते हैं। एक सेकंड भाई लोग पुलिस वुलिस को ना बुला दे। ओके इनमें से तो किसी की पक्का गाड़ी नहीं है, अगर इनमें से किसी, एक सेकंड ये लोग जा कर रहे हैं, मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ, इतनी देर में लोग पुलिस को कॉल लगाएंगे ना, इतनी देर में तो भाई मैं लॉस सांटोस पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं सीमियोन के पास भाई। अभी उसका एक काम तो कर दिया है, अब ऐसा ना हो कि यार वो 10 काम और दे दे, क्योंकि आज उसका वैसे भी कोई एम्प्लॉय नहीं आया है भाई, कार शोरूम बंद ही कर लेता अच्छा रहता, और इसको तो पैसे कमाने यार इतने कस्टमर जो आ रहे हैं उसके पास भाई, जल्दी ना कुछ करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, चल के लेस्टर से बात करता हूँ, अगर उसने मेरे को थोड़े बहुत पैसे उधार दे दिए ना तो मैं कार शोरूम खरीद सकता हूँ और बाद में मैं उसको पैसे भी वापस कर दूंगा जब प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं पहले सीमियोन के पास नहीं चलते हैं, लेस्टर के घर चलते हैं, लेस्टर से बात करके आते हैं। तो अभी हम लोग यार लेस्टर के घर पे पहुंचने वाले हैं और मैंने लेस्टर को यार कॉल भी कर लिया था, तो लेस्टर तो एकदम शॉक ही हो गया कि मैंने उसे कॉल क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसको बोल दिया था कि भाई मेरे को ना किसी काम से कॉल ना करे, अभी मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगा, इसीलिए लेस्टर बोल रहा है भाई मेरे को कॉल क्यों कर रहा है। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं, मैंने कहा एक ज़रूरी काम है, मैं सीधे घर ही पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फ़ोन पे पैसे मांगे ना तो भाई सीधे मना कर देगा, यहाँ पे आके बोलूँगा कि यार थोड़े बहुत पैसे उधार दे दे मैं जल्दी वापस कर दूँगा और ज़्यादा ही पैसे करूँगा। तो फटाफट से अंदर चलते हैं भाई, इसने गेट वगैरह तो खोल रखा है। ओके है कहाँ पे? ओके तो गाइस ये खड़ा है लेस्टर, भाई कंप्यूटर में क्या देख रहा है, चलो इससे बात करते हैं यार। तो अभी मेरी लेस्टर से यार बातचीत हो गया और मैंने लेस्टर को बोला कि यार मेरे को ना एक छोटा सा काम है, मुझे थोड़े से पैसे उधार चाहिए क्योंकि मैं लॉस सांटोस में एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड कुछ ही दिन के अंदर मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। तो लेस्टर ने भाई साफ साफ मना कर दिया है कि यार इसके पास कोई भी पैसा नहीं है, हाँ एक छोटा सा काम है, अगर फ्रैंकलिन काम करेगा तो काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने इसको साफ मना कर दिया कि भाई मैं ना तेरा कोई काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तेरे काम ना सारे के सारे इलीगल होते हैं, अगर मैं तेरे काम करूँगा तो मेरे पीछे फिर से पुलिस पड़ जाएगी। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार इस बार ना काम बहुत ही छोटा है और फ्रैंकलिन बिल्कुल ना डरे, इस काम में पुलिस का बिल्कुल खतरा नहीं है। तो लेस्टर अगर पुलिस का खतरा नहीं है और काम इतना ही आसान है तो मैं कर लूँगा, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर ये कोई इलीगल काम हुआ तो भाई मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
तो वो भी मैंने लेस्टर से यार काम पता कर लिया, और लेस्टर बोल रहा है कि यार काम बहुत ही छोटा है, बस फ्रैंकलिन को एक घर पे जाना है एंड वहाँ से एक गाड़ी उठा के लानी है। एंड अच्छी चीज़ है कि यार घर पे कोई भी नहीं है, बस गाड़ी को चोरी करके लाना है। तो ये काम तो यार बहुत आसान है, मैं आसानी से ला सकता हूँ। एंड लेस्टर बोल रहा है कि यार इस काम के लिए मेरे को पूरे $1,00,000 मिलेंगे, तो अपना काम हो जाएगा यार, $1,00,000 मिलेंगे और 1-2 लाख मेरे पास पहले से हैं, इसमें मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस तो अपना आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो भाई फटाफट से चल के उस गाड़ी को लेकर आते हैं, और लेस्टर बोल रहा है कि जैसे मैं उस गाड़ी को लेकर आ जाऊंगा पूरा पैसा एडवांस में लेस्टर ही दे देगा। लेस्टर ने मुझे लोकेशन दे दिया है, और अच्छी चीज़ यह है कि भाई घर का ओनर घर पे है ही नहीं, मुझे बस गाड़ी को चोरी करके लाना है, और ये काम तो भाई मेरे बाएं हाथ का है। सीधे चलते हैं घर पे और गाड़ी चोरी करके लाते हैं। वैसे मेरे को जाना है भाई VIP वाले एरिया में, जहाँ पे सारे के सारे VIP रहते हैं, वहाँ से कोई महंगी सी गाड़ी लानी होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसमें पुलिस का खतरा तो नहीं होगा, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगा। तो अभी हम लोग उस VIP एरिया में पहुँचने वाले हैं जहाँ से हम लोग को गाड़ी चोरी करनी है। तो अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियन, काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि यार आसपास काफ़ी ज़्यादा पुलिस हो। ओके, मेरे को बहुत ही ज़्यादा आराम से अंदर जाना है। तो पहले मैं काम करता हूँ, ये वाली तो यार देखो चोरी की गाड़ी है, इसको यहाँ पार्किंग में लगा देता हूँ। अगर कोई सीन होता भी है तो ये बंदा पकड़ा जाएगा जिसकी गाड़ी है भाई, कि ये गाड़ी आई कैसे यहाँ पे। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो इस वाले एरिया में ना काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं यार, ये गार्डन इन लोगों ने बना रखा है। एंड जो ये वाला एरिया ना वाइट हाउस के बिल्कुल बगल में है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा VIP लोग रहते हैं। और मुझे वो सामने वाले मेंशन में जाना है जो लोकेशन मेरे को मिली थी। एक मिनट पहले मैं आसपास चेक कर लूँ यहाँ पे कोई है तो नहीं। भाई घर के अंदर काफ़ी सारे CCTV कैमराज तो लगे हुए हैं यार, ये लेस्टर ना मेरे को फंसवा ना दे। वैसे लेस्टर बोल रहा है कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, बस फ्रैंकलिन गाड़ी लेकर आ जाए एंड उसके बदले मेरे को $1,00,000 भी मिलेंगे, एंड लेस्टर भी थोड़े पैसे मेरे को उधार देने वाला है। ओके, तो पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा घर के अंदर कोई है तो नहीं। यहाँ से जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं जा नहीं सकता यार, मेरे को थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, जैसे तैसे करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वैसे गेट मेरे ख्याल से लॉक तो नहीं होना चाहिए। ओके आराम से। ओके गाइस, घर के अंदर मेरे को कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत सही। भाई इस वाले घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस CCTV कैमराज हैं। लेस्टर कैमराज को हैक कर लेगा ये उसने बोला था, मेरे को बस गाड़ी ढूंढनी है। लेस्टर बोल रहा था कि पार्किंग के साइड ही होगी, और एक सेकंड यार यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, एक जेट्स की खड़ी हुई है। गाइस यहाँ देख रहे हो तुम, ये रही कार, और ये एक बुगाटी है भाई, वो भी पूरी डायमंड बुगाटी। भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई। लेस्टर ने कोई ऐसी वैसी सुपर कार चोरी करने को नहीं बोला, एक डायमंड बुगाटी चोरी करने के लिए बोला है। बाकी सही है भाई, यहाँ कोई भी नहीं है यार। अगर मेरे को पहले से ये लोकेशन पता होती ना, मैं खुद आके यहाँ से गाड़ी चोरी कर लेता। यहाँ कोई भी नहीं है भाई, घर पे कोई है ही नहीं, पता नहीं लेस्टर ने कैसे पता लगा लिया। गाइस बहुत ही सही मौका है, फटाफट से एक काम करते हैं, गाड़ी को यहाँ से लेकर चलते हैं। और एक सेकेंड गाइस, यहाँ सामने बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं, ड्रग्स वगैरह रखा हुआ है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं यार? गाइस ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पुलिस वाले का घर है इसीलिए यहाँ पर ड्रग और वेपन रखे हुए हैं? मेरे को नहीं पता भाई, जितना लेस्टर ने बोला उतना ही करते हैं। फटाफट से गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो वो भी फटाफट से यार इस वाली कार को उठाते हैं और गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही सही भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। ओ तेरी भाई, क्या बढ़िया गाड़ी है, और अच्छा है घर में सिक्योरिटी नहीं है। फटाफट से कार को लेते हैं एंड जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, कोई देख ना ले मेरे को। ओके बहुत सही, फटाफट से निकलते हैं भाई, क्या बढ़िया गाड़ी लग रही है। एक सेकेंड गाइस, ये लोग कौन है? हेलो भाई, मैंने बस एक गाड़ी किसके घर से उठा ली? एक मिनट गाइस, तुम लोग देख रहे हो भाई घर में बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं दी है। जैसे ही मैंने गाड़ी को उठाया भाई, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है हेलीकॉप्टर से एंड पीछे गाड़ियों से आ रही है। यहाँ तुम लोग देख रहे हो भाई, ज़रूर इस गाड़ी में कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए इतनी ज़्यादा पुलिस आ गई है। ये तो मैंने भाई इतने बड़े बड़े क्राइम किए, कभी इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं है। गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ओ तेरी भाई, लेस्टर ने गाइस मेरे को फिर से फंसा दिया, ये बंदा नहीं मानने वाला। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं उसको कॉल करता हूँ एंड पता करता हूँ कि ये गाड़ी किसकी चोरी करवा ली यार उसने मेरे से।
उसने मेरे को झूठ बोला है, फटाफट से उसको कॉल करते हैं और भाई मैं कहाँ जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं फटाफट से एक गाड़ी को भगाते हैं। तो अभी मेरी यार लेसर से बात हो चुकी है और मैंने लेसर को बोला कि यार आखिरकार लॉस सांटोस की पुलिस मेरे पीछे कैसे पड़ गई, उस घर में ऐसा क्या था कि भाई इतनी ज़्यादा पुलिस आ गई। तो लेसर बोल रहा है कि यार उस घर में नहीं, इस कार में है। तो कार के अंदर डायमंड्स रखे हुए हैं और लेस्टर ने ये बात मेरे से छुपाई और पुलिस अभी मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार जिस क्लाइंट ने ये काम दिया है ना, उस क्लाइंट को डायमंड्स भी चाहिए और कार भी चाहिए। तो फ्रैंकलिन कुछ भी करे पुलिस से पीछा छोड़ा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार अभी मेरे को $1,00,000 नहीं, पूरे $10,00,000 चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ। और भाई उसने मेरे को फिर से मुसीबत में फंसा दिया। तुम लोग यहाँ देख रहे हो पुलिस वाले भाई स्टंट तक कर रहे हैं मेरे को पकड़ने के लिए, मतलब इस कार के अंदर बहुत महंगे डायमंड है, अगर मैं लेसर को ना भी दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि यार कोई भी इलीगल काम नहीं करूँगा, पर यार लेस्टर भाई मानने वाला नहीं है, मैं उसके पास पैसे ही गलत मांगने गया। अभी उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है, कैसे भी करके मुझे पुलिस से पहले पीछा छोड़ाना होगा। लेस्टर बोल रहा है कि यार मैं ना सिटी से दूर निकलूँ, फिर वो पुलिस के सर्वर को हैक करके मेरे पीछे से पुलिस हटा देगा। एक काम करते हैं ना, अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भाई लेस्टर से मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे अपनी जान बचानी है। बहुत सही, बस गाड़ी टूट जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी की इतनी कीमत नहीं है जितनी उन डायमंड्स की कीमत है। और मेरे को पता ही नहीं था कि यार गाड़ी के डिग्गी के अंदर डायमंड्स रखे हुए हैं। अभी मुझे गाड़ी को कैसे भी बचाना पड़ेगा। तो अभी यार मैं सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ और लिस्ट ने यार पुलिस को भी हटा दिया है। वैसे पुलिस वाले अभी भी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं, पर उसने सर्वर को हैक कर लिया है, इससे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा भाई पुलिस से बचने का। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। बाकी लेसर को मैंने बोला कि भाई मेरे को $1,00,000 नहीं, पूरे $10,00,000 चाहिए, और जब तक मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे ना, तब तक ना मैं गाड़ी देने वाला हूँ ना मैं डायमंड दूंगा, क्योंकि ये गाड़ी भी एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, डायमंड कार है, ऊपर से इसके अंदर डायमंड रखे हुए हैं। तो लेस्टर भाई डील के लिए तुरंत तैयार हो गया। लेस्टर ने मेरे अकाउंट में $5,00,000 डाल दिए हैं और लेस्टर बोल रहा है कि यार फ्रैंकलिन एक काम करे, सैंडी शोर्स कस्टम में जाके इस गाड़ी को चुपचाप से पार्क कर दे, बाकी के पैसे बाद में मिल जाएंगे। तो लेस्टर पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, और एक काम कर देना इस गाड़ी से पीछा छुड़ाते हैं, क्योंकि यह गाड़ी ना कोई भी पहचान लेगा, क्योंकि ये बहुत महंगी गाड़ी, एक तो बुगाटी की कार है वैसी बहुत महंगी होती है, और देख रहे हो पूरी की पूरी डायमंड की बनवा रखी है यार, जिसकी भी ये कार होगी और इसके अंदर डायमंड्स भी रखे हुए हैं। तो फटाफट से इस गाड़ी को यार पहले अपन लोग पहुंचाते हैं सैंडी शोर्स कस्टम में, उसके बाद अपन लोग एकदम फ्री हो जाएंगे। और गाइस अभी मेरे पास यार काफ़ी पैसा हो जाएगा यार, लेस्टर ने मेरे को 5,00,000 दे दिए, तो टोटल 10,00,000 हो जाएंगे एक ही दिन में। अगर मैं सिमियन क्या काम करता तो अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं होता। तो अभी हम लोग यार सैंडी शोर्स कस्टम पे पहुँचने वाले हैं, फटाफट से चल के यार गाड़ी को पार्क करते हैं। मेरे को नहीं पता वहाँ पे कौन होने वाला है, मुझे बस गाड़ी को वहाँ खड़ा करना है जितना मेरे को लेस्टर ने बोला है। ओके तो गाइस ये रहा सैंडी शोर्स कस्टम, बहुत सही, बस यार ये गेट ओपन हो जाए। ओके तो गेट ओपन हो चुका है, मतलब यार जिसने भी लेस्टर को बोला होगा उसने पहले ये काम करा रखा है। मेरे को बस गाड़ी को यहाँ छोड़ना है, फटाफट से यहाँ निकलते हैं और जल्दी से लेस्टर को बता देता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो अभी मैंने यार लेस्टर को कॉल कर दिया और लेस्टर बोल रहा है कि यार फ्रैंकलिन ने बहुत ही बढ़िया काम किया और अभी मेरे अकाउंट में 5,00,000 और डाल देगा, बाकी एक दिन में अपने पास $10,00,000 आ गए। गाइस अभी अपने पास काफ़ी पैसा हो गया यार, अभी मैं कार शोरूम भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब कम से कम एक छोटा सा कार शोरूम ले सकता हूँ या फिर कुछ गाड़ियाँ भी ले सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि यार मेरे को बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, कार शोरूम का या फिर कोई और फैक्ट्री वगैरह खोले या फिर कोई और बिजनेस स्टार्ट करे। बाकी फटाफट से गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं यार, आज तो मसा ही आ गया। सीमियन के यहाँ मैं 10 साल भी काम करता ना तभी 10,00,000 नहीं मिलते, भाई एक दिन में 10,00,000 कमा लिया भाई, मज़ा आ गया। बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आप लोग को मज़ा आया, अगर मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।